क्वेश्चन नंबर 30, ही कंपनी मेड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ 7,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। इफ द कलेक्शन पीरियड इज 50 डेज एंड द ईयर इज अज्यूम्ड ऑफ 360 डेज, कैलकुलेट एवरेज डेटर्स डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स। इफ क्लोजिंग डेटर्स आर 10,000 मोर देन द ओपनिंग डेटर्स। ये कल कौन क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था आपसे, 50 डेज दिए हुए हैं ना, 60 दे देते तो हमारे लिए अच्छा रहता। 50 से हो रहा है, और ये आपकी है 720। क्या क्या पूछा हुआ है, एवरेज डेटर्स पूछे हैं, डीडीआर पूछी है, डीडीआर पहले निकल जाएगी ना, डीडीआर निकल जाएगी पहले, एसीपी का फार्मूला, एसीपी का फार्मूला लगा के आपका डीडीआर निकल जाएगी, DDR का फार्मूला, DDR नहीं लिखते इसको एक्चुअली हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर लिखते हैं, TRTR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। DDR का फार्मूला लगाओगे, पहले एवरेज डेटर्स निकाल लेना, एवरेज डेटर्स की हेल्प से आपको ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस दिया है 10,000, ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स ये निकालो, सब ऊपर कर लियो इसको। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2012, कैलकुलेट क्रेडिट रेशियो एंड इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। फिगर्स गिवन आर दिस मंथ कैश बैंक इन्वेंटरी मशीनरी लैंड ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेएबल्स 9% डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड कॉस्ट ऑफ सीआर कॉस्ट ऑफ आरएफ। एडिशनली ओपनिंग इन्वेंटरी वाज रुपीज 5,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंटरी। इसने पूछा क्या क्या है, करंट रेशियो करंट रेशियो का फार्मूला उसके बाद सारे एक्सपेंसेस ही हैं, मैंने उसको डिस्कस किया था, अगर आरएफओ की दी गई तो तब भी आपने टोटल रेवेन्यू निकाले सेम ही आएगी वो फिगर है ना, उसका एब्सोल्यूट चेंज दूसरा भी सेम ही आएगा। देन है परचेज ऑफ इन्वेंट्री आपका पहला हो गया, देन चेंज इन इन्वेंट्री होगी वो भी सेम है, एंड ईयर्स ऑपोजिट दिए हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस आर इन परसेंटेज ऑफ सीओजीएस। अब ये सीओजीएस कैसे निकलेगी, परचेज ऑफ इन्वेंट्री और चेंज इन इन्वेंट्री प्लस करके, तीन होते हैं ना फार्मूले सीओजीएस निकालने, एक होता है आरएफओ माइनस डीपी, एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, एक होता है वो मटेरियल कंज्यूम्ड वाला है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड दैट रॉ मटेरियल स्टॉक इन ट्रेड प्लस एक्सपेंसेस डायरेक्ट, ये मिला के बनते हैं। यहाँ पे दो आइटम है आपके पास, CORF आपकी बनेगी इस केस में इक्वल टू परचेज प्लस चेंजेस इन इन्वेंटरीज, इन दोनों को मिला के जो बनेगा उसका आपने परसेंटेज निकालना है टू कैलकुलेट द अदर एक्सपेंसेस व्हिच आर गिवन 10% एंड 12% रेस्पेक्टिवली करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है। देन टैक्स की परसेंटेज आई समझ आ रही है, बाकी आगे इसमें ठीक सिर्फ यही पॉइंट है यहाँ पे, सी उसने क्या जज कर लिया है, उसने कंपैरेटिव स्टेटमेंट जज कर लिया आपकी प्लस आपका उसने फार्मूला भी सीओजीएस वाला वो भी रिवाइज कर दिया सब कुछ। देन इसी का एक और पार्ट है, द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर गिवन फॉर द ईयर 31st मार्च 2019, इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑफ 12% डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज आर ट्रेड पेएबल्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड टेंजिबल एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ शेयर्स इन एबी लिमिटेड, देन करंट इन्वेस्टमेंट्स टोटल आर गिवन, कन्वर्ट द अबव बैलेंस शीट इनटू अ कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट है ना, और आपने अगर अमाउंट्स नोट करी हुई हो तो वो इन थाउजेंड्स में कॉमन लेके दिया हुआ ऊपर है ना, वो 400 रुपया वो 4,000 रुपया नहीं है, वो 400,000 एंड 400 4,000 4,000 4,40,000 रुपीज़ ठीक,
जब आप निकालोगे तो वो देख लेना, वैसे यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन साइज है, क्योंकि वो उसी अमाउंट को उससे हमने जीरो से काट देना है। अगर ये होती कंपैरेटिव से फर्क पड़ जाना था, फिर फर्क पड़ने के चांसेस थे कह सकते हैं ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी देख के करना कि 1000 रुपीज इन्होंने कॉमन लिया हुआ है। देन 32nd में है, ही सेज प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ लीवा लिमिटेड एज एट 31st मार्च 1983। पिछले वाले सब में उन्होंने दी बैलेंस शीट हुई थी, लेकिन सब जो दिया था वो साल दिए थे, वो सीधे दिए हुए, हालांकि बैलेंस शीट की फॉर्म में था। यहाँ इसने बैलेंस शीट दी हुई है, सब साल उल्टे दी हुई है। इक्विटी लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेयबल्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स टेंजिबल एसेट्स, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एडिशनल में उसने नोट्स टू अकाउंट्स दिया है, सिर्फ रिजर्व सरप्लस का सरप्लस दिया हुआ है। सिंपल है ये, बेसिक सीधा ही यहाँ से सम स्टार्ट करना है हमने, मीन्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है देखा जाए। सिंपल बता दीजिए शेयर कैपिटल कहाँ आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, लॉन्ग टर्म बॉरिंग्स प्लस के माइनस प्लस माइनस ऐसे बोले जा रहे, अमाउंट देख लीजिए कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, तो सब सेम है। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स ए प्लस, वर्किंग कैपिटल में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स बी माइनस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बी माइनस, करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स व्हाट इज द ओपनिंग वैल्यू ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल्स ए माइनस एंड देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है कुछ, कहीं जीरो सम कर दीजिए।